राजस्थान की 15वीं विधानसभा का 7वां सत्र आज राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल ने अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में बताया। इससे पहले राज्यपाल के विधानसभा भवन पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें अगवानी कर सदन के आसन तक लाए। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि राजस्थान में कोविड प्रबंधन के कारण देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदेशों में से एक रहा है। इसके लिए उन्होंने चिकित्सकीय टीम की सराहना भी की। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण, 15वीं विधानसभा के सप्तम सत्र के शुभारंभ के अवसर पर मैं माननीय सदस्यों का अभिवादन करता हूं। पिछले 3 वर्षों में प्रदेश ने विकास के जो नए आयाम स्थापित किए हैं उसके लिए राज्य सरकार को बधाई देता हूं। पिछले वर्ष पूरे देश ने कोरोना की दूसरी लहर की बड़ी त्रासदी देखी है। इस महामारी में कई लोगों को अपने प्रियजनों को खोना पड़ा। आज इस मौके पर मैं उन सभी प्रदेशवासियों के परिवारजनों के साथ संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा जिन्हें इस बीमारी के कारण पारिवारिक क्षति का सामना करना पड़ा। मैं इस महामारी के दौरान निरंतर सेवा प्रदान करने वाले कोविड वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्स और सफाई कर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना इस महामारी में लोगों को अपने प्राण बचाए। इस महामारी से लड़ाई में प्रदेश की जनता ने भी हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान कोविड प्रबंधन और रोकथाम के मामले में देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदेशों में से एक है। अपने नवाचारों और प्रतिबद्धता की वजह से राज्य सरकार ने प्रदेश को कोविड मैनेजमेंट में रोल मॉडल की तरह स्थापित किया है। इस महामारी ने पूरी दुनिया के लिए ऐसी चुनौतियां पैदा की जिनका सामना करने का अनुभव किसी के पास नहीं था। इस आपदा ने मानव के जीवन और जीविका दोनों पर ही वार किया। हमारे सामने चुनौती ये थी कि हमें बीमारी के प्रसार को भी रोकना था और इससे प्रभावित होने वाली अर्थव्यवस्था को भी संभालना था। सरकार के सामने बीमार लोगों के लिए उपचार उपलब्ध कराने का चैलेंज था। वहीं ऐसे लोग जिनका रोजगार इस महामारी में लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुआ था उन्हें भी संबल देना था। राजस्थान सरकार ने इस महामारी के शुरुआती दौर से बड़े और कड़े कदम उठाए। सारा जोर इस बात पर था कि कैसे लोगों को बीमार होने से बचाया जाए और उनकी आजीविका भी कम से कम प्रभावित हो। इस महामारी ने हमें ऐसी परेशानियों से रूबरू कराया जिसके लिए दूरदर्शिता और धैर्य दोनों की आवश्यकता थी। हमने यह भी कोशिश की कोई भूखा न सोए, इसके लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए करोड़ों फूड पैकेट वितरित किए। ऐसे समय में इंदिरा रसोई योजना भी वरदान बनकर सामने आई। ऐसे दौर में जब लॉकडाउन की वजह से प्रदेश की आय बहुत घट गई तब भी राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों, गरीबों, जरूरतमंदों के लिए खर्च करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारी सरकार ने प्रदेश में न सिर्फ निःशुल्क RT-PCR टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई बल्कि 1,45,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित की। आम जन की जरूरत को समझते हुए निजी क्षेत्र में भी समय समय पर इस टेस्ट की कीमत कम की गई। आज राजस्थान की प्राइवेट लैब्स में यह टेस्ट मात्र 350 रुपये में किया जा रहा। इससे आम आदमी को बहुत राहत मिली है।